नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस अपने विषय में महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। वहीं 3 जनवरी 2023 को नागपुर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम रोहिणी सुभाष पालेकर है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस से रिसर्च स्कॉलर हूँ। यहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो कि 108 इंडियन साइंस कांग्रेस यहाँ पे होने जा रही है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एज वेल एज अवर यूनिवर्सिटी विच इज़ अ राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज यूनिवर्सिटी। यहाँ का बेसिक थीम जो आप देखते हैं वो है डिपेंड ऑन द वुमेन्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पर वुमेन्स के अवेयरनेस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी। काफ़ी सारे ऐसे लेक्चरर्स, काफ़ी सारे इन्वाइटीज़ है जो वुमेन है और वो वहाँ पर आकर आपको अलग अलग के अलग अलग दिशाओं में बताएंगे कि किस तरह से वुमेन का एम्पावरमेंट यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ कि यहाँ पे वुमेन्स के वर्क को लेकर काफ़ी एक्सपोजर आपको मिल सकता है। नए नए वुमेन साइंटिस्ट, नए नए वुमेन एंटरप्रेनर के साथ आपको यहाँ पे मिलने का मौका मिल सकता है। साथ में ही आपको चिल्ड्रंस को एक नया एक्सपोजर है जो कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं जहाँ पर जो नई टेक्नोलॉजी है, डिपेंड अपॉन एनर्जी सेक्शन है, फूड सेक्शन है, एग्रीकल्चर है, सो इससे जुड़ा जितना भी जो कुछ भी नया है जो फिलहाल पूरे इंडिया में चल रहा है उसका एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो ये एक तरह से एक कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहने वाला है इंडियन साइंस कांग्रेस का। और ये अनुभव हम सभी के लिए इतना मूल्यवान रहेगा कि इसमें से जो भी हमें मिलेगा वो हमें मेरी ज़िंदगी भर या फिर जो भी आने वाली कठिनाइयाँ है, आने वाला जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी हम बनाएंगे उसके लिए हमें महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।